मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। तेलंगाना पुलिस पर व्यापारी के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आज मेरठ शहर सर्राफा बाजार बंद कर दिया गया। सभी सर्राफा व्यापारी चौक पर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना था कि एक नशे में धुत व्यक्ति के कहने पर सर्राफ का मानसिक व सामाजिक उत्पीड़न करने के लिए पुलिस तैयार है, लेकिन तमाम टैक्स देकर किसी तरह अपना व्यापार कर रहे व्यापारी को चोर साबित करने की चेष्टा की जा रही है। इसका वे विरोध कर रहे हैं। एसपी सिटी के आश्वासन पर व्यापारी धरने से हटे। दरअसल बीते दिवस तेलंगाना पुलिस एक नदीम नामक नशेड़ी को लेकर मैसर्स प्रकाश चंद राकेश कुमार के प्रतिष्ठान पर बिना वर्दी पहुंची थी। सूचना पाकर मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय आनंद भी पहुंच गए। उन्होंने बिना वर्दी व बिना स्थानीय थाने को सूचना दिए किसी प्रतिष्ठान पर जाने पर अपनी नाराजगी जताते हुए स्थानीय पुलिस को इसके लिए सूचित कर दिया। बाद में थाने में तेलंगाना पुलिस व एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच खासी नोकझोंक हुई। हम वो देखते हैं, हमें तो हमारी पांच बिंदुओं की मांग है, वो हमने अपने अधिकारियों पर हमने भेज दी, आपको भेज दी नहीं, जिसको आना है हम यहाँ बैठे हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, आने तो हम जाते जाते रहते, फिलहाल हम यहाँ और उन्होंने बिना उसके आपके सपोर्ट के बाजार के अंदर बैठ जाइए सब लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग बैठ जाइए, इस बात को भाई सबको भी अपने साथ ही बिठा लो भाई, कुर्सियां दे दो। कोई समाधान न निकलने पर आज सुबह शहर सर्राफा बाजार को बंद कर सभी व्यापारी अपनी पांच मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। व्यापारी नेता विजय आनंद ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। मेरा नाम विजय आनंद अग्रवाल है, मेरे साथ मेरे अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल जी खड़े हुए हैं और हमारे जौहरी बाजार से और नील की गली से सारे व्यापारी साथी हैं, पूरा सर्राफा बाजार हमारा एकत्रित है। हम लोगों के यहाँ कल तेनांगला पुलिस आई थी और सिविल ड्रेस में थे वो लोग, और एक किसी अपराधी को साथ में लाए और हथियार से लैस थे। वो लोग अचानक हमारे शोरूम में आए और शोरूम में आकर बोले हम बाहर के पुलिस हैं, जबकि उनके कोई हमारे पास स्थानीय पुलिस साथ में नहीं थी। तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई, हमने स्थानीय पुलिस को बुलाया, स्थानीय पुलिस यहाँ पर आई और स्थानीय पुलिस आकर उनको अपने साथ थाने ले गई। हमारे से उन्होंने कहा कि ये 12 नवंबर को तेलंगाना में कोई चोरी हुई है और उस चोरी का सामान 3 दिन बाद हमारे मेरठ में बिका है। तो हमने कहा भाई हम लोग इस तरह का काम नहीं करते, हमने नहीं खरीदा है। वो नहीं माने इस बात को और वो लगातार हम पे दबाव बनाते रहे। बाय द वे हमें ये पता चला, हमारे जिस व्यापारी के यहाँ वो गए थे, उस व्यापारी ने रात को अपने कैमरे वो बंद कर जाता है, उसके कैमरे रात को बंद होने की वजह से हमें इतनी पुरानी फुटेज उन डीवीआर के अंदर मिल गई। अगर हमें वो फुटेज नहीं मिली होती तो हम अपने को निर्दोष साबित नहीं कर सकते थे। जैसा पुलिस और अपराधी, जिस अपराधी का नाम नदीम है, जिसको बताया जा रहा है कि वो हीरोइन का नशा करता है, उसके नशे के अंदर वो जो कह देगा वो सही, और हम जो कह देंगे, जो हम टैक्स पेयर हैं, इतना लंबा चौड़ा टैक्स देते हैं उसके बाद अपने बच्चे पालते, हम अपराधी। तो हमारा केवल और केवल कहना ये है कि अगर पुलिस जिस तरीके से भी यहाँ पर आई है, वो अपने जो भी कागज लेके आई है उसकी एक एक कॉपी हमारे व्यापारी को या स्थानीय थाने में उपलब्ध करा दे। हमारा जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, जितना हमसे सहयोग चाहिए वो सहयोग हमसे ले ले, और उस सहयोग के बाद हमारे को अपनी रिपोर्ट त्वरित यही बनाकर दे के जाए, उसके बाद यहाँ से जाए। और स्थानीय पुलिस जिस तरीके से भी वो लोग यहाँ आए हैं, स्थानीय पुलिस उसके लिए खेद प्रकट करे, डायरेक्ट वो नहीं आ सकते थे बिना यहाँ आमद दर्ज कराए हुए। तो हमारा निवेदन है हमारे व्यापारी को क्लीन चिट दी जाए, जब तक क्लीन चिट नहीं दी जाती तब तक हम यहीं शांतिपूर्वक अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, अपने बाजार में बैठे हुए हैं। हमारी तरफ से ना कोई जिंदाबाद है, ना मुर्दाबाद है, ना न्यूसेंस है। दोपहर बाद एसपी सिटी विनीत भटनागर वहां पहुंचे और आश्वासन दिया कि व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इस आश्वासन पर धरना विरोध खत्म कर दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए अपने फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूले। और हाँ, कोरोना ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है, ऐसे में बेहद सतर्कता की आवश्यकता है। भीड़ वाली जगह जाने से परहेज करें, मास्क का हमेशा इस्तेमाल करें। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।